नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नया इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वर्टर की जो सिंगल बैटरी में आपको डबल बैटरी का बैकअप देगा। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं UTL सोलर गामा प्लस। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है RMPPT टेक्नोलॉजी का न्यू इन्वर्टर है और दोस्तों इसमें नई टेक्नोलॉजी है RMPPT और इसमें डिस्प्ले आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे स्विच, SMF ट्यूबलर सिस्टम, IT मोड, पोस्ट चार्जिंग, ग्रेड चार्जिंग। और दोस्तों इनमें ये फंक्शन है, इनको आप मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये वोल्ट वगैरह दिखाता रहेगा, जैसे कितना एम्पियर आ रहा है सोलर प्लेट का और बैटरी के अंदर कितना करंट है, कितनी चार्ज हुई है बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी बैटरी को फुल जितनी चार्ज होती है कितना वोल्ट चाहिए उसके अंदर, उस हमको मतलब जैसे 13 वोल्ट पे फुल करनी है या फिर 14.4 पे वोल्ट पे हमको फुल करनी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। और आपको मतलब लो बैटरी का इंडिकेटर कब चाहिए, कितने वोल्ट पे चाहिए, जैसे 11 वोल्ट पे चाहिए या 10 पे चाहिए या 10 से कम पे चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको इससे कम करना नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे 10 वोल्ट पे आपको ये बैकअप ज़्यादा दे देगा, आपको 10 से आप कम रखते हैं तो ये बैटरी आपकी जल्दी ख़राब होती है, लेकिन आपको 11 वोल्ट पे ही डाउन मतलब रखना है और इससे कम नहीं करना है। और दोस्तों 14.4 पर आपकी बैटरी फुल हो जाती है, तो इससे ऊपर आप करंट इसमें ना दें और ना इसको ऊपर सेट करें। दोस्तों ऐसा करते हैं तो बैटरी आपकी जल्दी ख़राब होगी। और ये इसके बटन हैं, इसमें डिटेल से आपको एक बुक मिलती है, उसमें सारा सिस्टम लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप इनको मैनुअल सेट कर सकते हैं। और इसमें स्मार्ट मोड, हाइब्रिड और CPCU मोड, तीन मोड है। आप इसको स्मार्ट मोड पे रखते हैं तो ये ऑटो ले लेता है, आप चाहे सोलर से चलाएं या फिर लाइट से चलाएं। फ़िलहाल मैंने इसमें लाइट नहीं दी हुई है, सोलर से ही ये काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करता है, चाहे दिन में चलाओ चाहे रात में चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दोस्तों इसमें लगभग आप 700 वाट का लोड दे सकते हैं और इसमें लगभग आपका ये 4 से 5 घंटे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज आप इससे कम करंट मतलब इस पर कम लोड देते हैं तो इसका जो बैकअप है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे आपको किसी नए प्रोडक्ट के साथ। दोस्तों आपने देखा इस इन्वर्टर को, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, आप मैनुअल अपने हिसाब से इसके फंक्शन सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसको सोलर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और इन्वर्टर जो होते हैं वो आपको सोलर का सिस्टम नहीं आता है, उनमें अलग से आपको लगाना पड़ता है, इस इन्वर्टर में इनबिल्ट आता है और ये नई टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।